क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, विश्व कप 2019 का सबसे रोमांचक मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को आखिरी ओवर तक खींचे मुकाबले में मात देकर इतिहास रच दिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया। अफगानिस्तान की बेहतरीन गेंदबाजी के आगे भारतीय पारी 224 रन ही बना पाई। इस आसान से लक्ष्य का पीछा कर रही अफगानिस्तान की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। लेकिन अफगानिस्तान की पारी के बारे में बात करने से पहले दोस्तों, हम आपको एक बेहतरीन ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस ऐप का नाम है यू डिक्शनरी ऐप। दोस्तों, क्या आपको क्रिकेट की इंग्लिश कॉमेंट्री समझने में दिक्कत आती है? क्या आपको मैच के दौरान बोले गए कई इंग्लिश वाक्यों के मीनिंग ही समझ नहीं आते हैं? तो ये यू डिक्शनरी ऐप खास करके आपके लिए ही है। इसके कन्वर्सेशन सेक्शन में आपके द्वारा बोले गए इंग्लिश वाक्य का हिंदी में झट से मीनिंग बताया जाएगा। वहीं दोस्तों, आप इस ऐप में नए नए शब्द सीख कर अपनी इंग्लिश बोलने की क्षमता जल्द से जल्द बढ़ा सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर जाकर जल्दी से ये बेहतरीन ऐप डाउनलोड करिए। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद चलिए बात करते हैं भारतीय टीम की इस रोमांचक जीत के बारे में। दोस्तों, अफगानिस्तान की पारी की शुरुआत बेहद ही खराब रही, लेकिन बीच बीच में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने लाजवाब साझेदारी की और अंत में ये मुकाबला एक रोमांचक स्थिति में जाकर खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में देखने वाली बात ये थी कि एक समय पर भारतीय टीम इस मुकाबले में आती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि मैदान पर अफगानिस्तान के दो बेहतरीन बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राशिद खान और मोहम्मद नबी के बारे में। उस समय अफगानिस्तान को जीत के लिए 6 की औसत से रन बनाने थे। उस समय भारतीय कप्तान तेज गेंदबाजों को गेंदबाजी के लिए बुला रहे थे, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए भारतीय टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली के पास जाकर अपनी रणनीति बताई और स्पिन गेंदबाजों को लगाने की राय दी। जैसे कि आपको पता ही है कि महेंद्र सिंह धोनी का कोई भी डिसीजन विराट कोहली ठुकराते नहीं है, और पारी का 46वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल, इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर राशिद खान ने चहल को एक तूफानी चौका जड़ा। चौका लगते ही चहल बौखलाए हुए दिखाई दिए, लेकिन स्टंप के पीछे से धोनी ने उन्हें विकेटों के बाहर गेंदबाजी करने को कहा और उसकी अगली ही गेंद पर राशिद खान को महेंद्र सिंह धोनी ने चीते की रफ्तार से आउट कर दिया। यही इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट रहा। इसके बाद मोहम्मद नबी को साथ देने के लिए कोई भी बल्लेबाज अफगानिस्तान की टीम में नहीं बचा था, और उसका फायदा उठाते हुए भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को इस मुकाबले में धूल चटा दी। तो दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी की इस रणनीति और बिजली की रफ्तार जैसी स्टंपिंग के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा, और यू डिक्शनरी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।